दोस्तों, इस रिकवरी वीडियो पर ऑलरेडी 3 वीडियो हमने बनाए हैं। ये चौथा वीडियो 6 नए तरीकों के साथ आपके लिए। लेकिन उससे पहले एक पवित्र काम करिए, वो जो नीचे बटन दी गई है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले मोटा मोटा हम देखते हैं कि 3 कारण ऐसे देखते हैं जिसके वजह से यह प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में देखने को मिलता है। तो पहला इसका इशू जो है वो है सॉफ्टवेयर इशू। दोस्तों, कभी कभी जो कोई सॉफ्टवेयर समस्या इसमें अगर हो मोबाइल में तो ये प्रॉब्लम हमें दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें ही दूसरा अगर प्रॉब्लम हम देखें तो वो है हार्डवेयर प्रॉब्लम। तो हार्डवेयर की समस्या अगर हमारे मोबाइल में आए, जैसे कि बैटरी का ख़राब होना या मदरबोर्ड का ब्रोक होना, इसके वजह से यह प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें अगर तीसरा हम प्रॉब्लम देखें तो वो है ओवरहीटिंग का। अगर अपना मोबाइल जो है ज़्यादा यूज़ होता है और वो ओवरहीटिंग अगर होता है तो यह प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो उस सॉल्यूशन के सीरीज में हमारी पहली मेथड जो है वो है हाउ टू फिक्स Xiaomi बूट लूप विथ फैक्ट्री रीसेट। तो हम इस फैक्ट्री रीसेट मेथड को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसमें पहली स्टेप है, कुछ सेकंड के लिए पावर बटन पर अपनी उंगली रखकर अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से बंद कर दे। तो दोस्तों, अगर आपका जो मोबाइल है वो कभी कभी उस फैक्ट्री रीसेट के प्रॉब्लम में अगर जाता है और अभी आपका मोबाइल अच्छे से ठीक है, तो आपको पहले मोबाइल को पूरा स्विच ऑफ करना पड़ेगा। और अगर आपका मोबाइल फैक्ट्री रीसेट पर स्टक होकर है तो आपको स्टेप 2 से आपको आगे की प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि आपका अगर मोबाइल पूरा स्विच ऑफ करके है तो आपको वॉल्यूम की बटन और पावर की जो बटन है वो दोनों को एक साथ दबाकर 10 या 15 सेकंड के लिए दबाकर रखिएगा। तो उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो फैक्ट्री रीसेट के उसकी जो स्क्रीन है वो आपके मोबाइल में शो अप होगी। तो इसमें हम स्टेप 3 का जो ऑप्शन है वो देखते हैं। स्क्रॉल करने पर वाइप डेटा, जो आपके मोबाइल के ऊपर जो 3-4 ऑप्शन रहते हैं उस पर वाइप डेटा का सेकंड ऑप्शन दिया रहता है, तो उस वाइप डेटा के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको और एक विंडो ओपन होगी और उसमें लिखा रहेगा कि फैक्ट्री रीसेट के साथ। तो दोस्तों, ये जो है ऑप्शन है वो है फैक्ट्री रीसेट का। मतलब ये ऑप्शन यूज़ करने से आपका जो मोबाइल का जो डेटा रहेगा वो पूरा वैनिश हो जाएगा, मतलब पूरा डेटा आपका क्लियर हो जाएगा, आपका मोबाइल में कोई भी डेटा नहीं बचेगा। तो यह विकल्प जो है वो आपको आप सोच समझ कर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मोबाइल में कुछ भी डेटा नहीं बचेगा, आपका मोबाइल जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। तो इसके जो डेटा वाइप डेटा का ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो रिबूट के ऑप्शन पर और स्टक हो जाएगा। तो आप रिबूट कीजिए और आपका मोबाइल जैसे तैसे पहले जैसा हो जाएगा। यह है फैक्ट्री रीसेट का एक मेथड जिसके जरिए आपका मोबाइल पूरी तरीके से रिकवरी मोड से बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ। ये जो मेथड है हाउ टू फिक्स बूट लूप विदाउट लूजिंग डेटा, जो हमने पहली मेथड देखी थी वहाँ पे हम जो अपना डेटा है वो लूज करते हैं, लेकिन ये जो मेथड 2 है उसमें हम अपना कुछ भी डेटा लूज नहीं करते। डोर किट ये एक ऐप है जिसके जरिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डोर किट का जो ऐप है जो कंप्यूटर पे हम यूज़ करते हैं उसकी लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उसका यूज़ करके आप ये ऐप जो है वो आप अपने PC पर या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ये स्टेप जो है 4 स्टेप दिए हैं वो यूज़ करके आप जो है ये अपना मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन कैसा है। अपने विंडोज़ PC या मैक पर अपना ये डोर किट जो है वो डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए, और उसमें जो है सिस्टम फिक्स मोड चुनिए। वहाँ पे जो स्क्रीन ओपन होगी वहाँ पे बहुत से ऑप्शन शो करते रहेंगे, तो वहाँ पर जो सिस्टम फिक्स मोड जो है वो चुनिएगा। और दूसरा ऑप्शन इसमें है अपने डिवाइस बूट लूप फोन को संलग्न करें और स्टार्ट बटन दबाएं। आपका जो मोबाइल है वो बूट लूप पे आपका कंप्यूटर पर अटैच करना है। और ये जो 3 स्टेप है, डोर किट आपके डिवाइस के पैड कोड से मिल
खाएगा, तो जो आप पहली जो सेकेंड प्रोसेस करोगे उसके साथ वो आपके मोबाइल आपकी जो स्क्रीन है उस पर एक शो करेगा सैमसंग। तो ये जो जो अपनी ये जो टेक्निक है मेथड टू जो है वो सैमसंग के मोबाइल को अच्छे से मिल खाती है जो उसका जो रिकवरी प्रॉब्लम है उससे। और ये चौथी जो स्टेप है ये सब करने के बाद आपका जो मोबाइल है वो रिकवरी मेथड से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरी मेथड है और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरी मेथड की तरफ जो है हाउ टू फिक्स बूट लूप Xiaomi बाय रिमूविंग एंड रीअटैचिंग इट्स बैटरी। तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल पूरा स्विच अप हो गया है और आपका ये दोनों स्टेप करने के बाद भी और स्टेप करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो ये जो एक सॉल्यूशन है मेथड थ्री का वो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर ये आपको खुद करना पड़ेगा या फिर दुकान पे जाकर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बैटरी रिमूवल का है, क्योंकि उसका स्क्रू ड्राइवर तो आपके पास होगी नहीं, इसलिए आप ये किसी शॉप में जाकर करिएगा। तो इसके जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। आपका मोबाइल जो है वो पहले स्विच ऑफ कीजिएगा, ये सुनिश्चित करिएगा कि आपका मोबाइल जो है वो डिवाइस जो है वो है पूरी तरह बंद हो। और उसके बाद स्टेप टू की फॉलो कीजिएगा, अपने डिवाइस के पिछले कवर को हटाने के लिए एक छोटे स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कीजिएगा। जो आपका बैक साइड है आपके मोबाइल का वो पूरा निकालना पड़ता है, इसलिए स्क्रू ड्राइवर का यूज आपको ज़रूर ज़रूर लगेगा। तो तीसरा जो स्टेप है इसकी वो आपको बताता हूँ, बैटरी निकाल लें और थोड़े समय के बाद इसे बदल दें, या तो आप बैटरी बदल दें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो आते हैं ना वो मोबाइल हीटिंग की वजह से, मतलब बैटरी का प्रॉब्लम रहा तो भी ये आते हैं। तो एक बार क्या कीजिएगा, आपकी जो पुरानी बैटरी है वही एक बार यूज़ करके देखिए, अगर वो लगाकर होता है तो ठीक है, नहीं तो बैटरी बदलना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप जो देखिए, देखने के लिए आपका एंड्रॉयड जो गैजेट है वो पूरा एक बार स्टार्ट कीजिएगा, मतलब आपको ऑन कीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये बैटरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए हम बढ़ते हैं मेथड फोर की तरफ जो है हाउ टू फिक्स Xiaomi Redmi बूट लूप बाय रिमूविंग द SD कार्ड। ये सबसे सरल तरीका है आपको समझने का कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, जो आपका स्मार्टफोन का जो SD कार्ड निकालने और ट्रे आपको निकालना पड़ेगा, वो ट्रे निकालने के बाद आप ये पूरा ट्रे निकाल दो और फिर मोबाइल चालू करके देखो। अगर आपका मोबाइल चालू हो रहा है, ये मेथड कब की है, जब आपका मोबाइल वो उस लूप मोड में जाता है लेकिन अपने आप बाहर आ जाता है। अगर आपका मोबाइल उसी लूप मोड पे है रिकवरी मोड पर, तो आप क्या कीजिएगा, ये अपना जो स्लॉट है वो निकालेगा और फिर रिबूट करके देखिए। अगर ये आपका मोबाइल चालू हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका जो सिम टूल कार्ड जो है वो जो ट्रे है वो खराब हो गया है, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो गई चौथी मेथड। तो बढ़ते हैं अपने पांचवी मेथड की तरफ, Xiaomi Redmi बूट लूप फिक्स वाया रिस्टोरिंग बैकअप। ये थोड़ी क्रिटिकल ये आपकी मेथड है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वन है, मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग पर पुनर्स्थापित करें, फिर स्मार्टफोन को पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट करें, बैकअप फाइल को फ़ोन की मेमोरी से कनेक्ट करें। तो मतलब ये ऐसा है कि आपका जो मोबाइल का है जो वो बैकअप लेना पड़ेगा कंप्यूटर पर, और जो अपना मोबाइल है मोबाइल फ़ोन को स्टेप टू फॉलो की करनी है, मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग पर पुनर्स्थापित करें, फिर स्मार्टफोन को पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट करें, बैकअप फाइल को फ़ोन की मेमोरी से कनेक्ट करें, और उसका जो बैकअप है वो वापस से अपने मोबाइल में लीजिए। और ये उसके बाद अपना स्टेप थ्री फॉलो करना है, चेन की पुष्टि करें और बाहरी प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। फ़ोन रिबूट करने पर अपनी सेटिंग बहाल हो जाएगी, उम्मीद है आपका जो प्रॉब्लम हो वो इस स्टेप से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट मेथड जो कि सिक्स मेथड है, फिक्स Xiaomi बूट लूप बाय फ्लैशिंग। तो आपको सब मेथड नहीं होने के बाद ये आपका एक मेथड बचती है। तो दोस्तों इस मेथड में स्टेप वन का अगर हम देखें तो स्टेप वन है कि Xiaomi की आधिकारिक जो वेबसाइट है, जहाँ आपकी ये Redmi की Xiaomi की जो वेबसाइट है उस पर एक ऐप रहता है जो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उससे आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, उसके अतिरिक्त इंटरनेट से अपनी PC का फ्लैश करने के लिए Xiaomi के लिए USB ड्राइवर और ये जो USB ड्राइवर से उससे अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो ये और ये जो फर्मवेयर फाइल है वो इंस्टॉल करें।
दूसरी स्टेप है कि रेडमी स्मार्टफोन को यूएसबी के माध्यम से अपनी पीसी से उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके मोबाइल को पीसी से यूएसबी के जरिए आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके इसमें स्टेप थ्री है, अपने रेडमी फ़ोन को फास्ट फूड मोड में लॉन्च करने के लिए पावर और वॉल्यूम डाउन बटन को दबाए। तो दोस्तों, ये हम ऐप के जरिए एक जो लैपटॉप में अपन यूज़ करेंगे उसके ज़रिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जो मोबाइल है उसमें वो रिकवरी मोड पर डालना है, फिर सेटअप लॉन्च करें, फिर वो जहाँ पे ऐप रहेगा उसका सेटअप हमें लॉन्च करना है तो फ्लैश बटन पर क्लिक करें। और ये प्रक्रिया पूरी होने तक थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वेट करिए। और ये जो स्टेप है ये फॉलो करने से आपका प्रॉब्लम ज़रूर ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे सिक्स मेथड। अगर आपका मोबाइल को कुछ समस्या आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।